हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट हेवन। भारत के रेलवे में आपने सफ़र तो किया होगा और आपने सफ़र करते वक्त पटरी के किनारे हर थोड़ी दूरी पर चौकोर बॉक्स टाइप की जगह बनी दिखती होगी और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इसे क्यों बनाया गया है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आपको मालूम होगा कि इंटर रेलवे अपनी लैंग्वेज में इसे रिफ्यूज इंडिकेटर कहता है। ये चौकोर बॉक्स रेलवे डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि रेलवे के एम्प्लॉई समय समय पर ट्रेन की पटरियों की मरम्मत करते रहते हैं। मरम्मत का ये काम दिन भर या फिर कई दिनों तक चलता है। ऐसे में रेलवे के कर्मचारी मरम्मत स्थल तक पहुंचने के लिए एक ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब आप सोचिए कि जिस ट्रैक की मरम्मत की जा रही है और ट्रेन को उसी ट्रैक से होकर गुजरना है, तो रेल कर्मचारी और उस ट्रॉली का क्या होगा? आप कहेंगे कि रेलवे कर्मचारी ट्रेन को देख कर वहाँ से हट जाएंगे। जी हाँ, सही कहा। लेकिन ट्रॉली को सुरक्षित रखने के लिए रेलवे कर्मचारी इसी रिफ्यूज इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ट्रेन आती है तो कर्मचारी ट्रॉली को उठाकर रिफ्यूज इंडिकेटर पर लगा देते हैं ताकि ट्रेन को पार करने में कोई दिक्कत ना हो। ट्रेन से गुजरते ही कर्मचारी उसे फिर से उठाकर ट्रैक पर रख देते हैं और फिर उसकी मदद से नज़दीकी यार्ड या स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। बता दें कि रेलवे इस रिफ्यूज इंडिकेटर को एक निश्चित दूरी पर बनाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि रेलवे ट्रॉली को धकेलने की बजाय छोटे इंजन से क्यों नहीं चलाया जाता। दरअसल पुश ट्रॉली बहुत हल्की फुल्की होती है। यदि उसी पटरी पर कोई ट्रेन आ रही होती है तो उसे उठाकर साइड में रख लिया जाता है। इस ट्रॉली की स्पीड काफ़ी कम होती है। ऐसे में ट्रॉली पर बैठे अधिकारी ट्रैक का निरीक्षण अच्छी तरह से कर लेते हैं। इंजन रखने पर इसे उठाना संभव नहीं हो पाएगा, साथ ही इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी जिससे निरीक्षण उचित तरीके से नहीं हो पाएगा। हालांकि अब पुश ट्रॉली के साथ साथ मोटर ट्रॉली को भी रेलवे ने पटरी पर उतारा है। ये ट्रॉली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि पटरी की ठीक से जाँच के लिए इसे 15 या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया जाता है। बता दें कि ये ट्रॉली लगभग 350 किलोग्राम की होती है। इस कारण से इसे रेलवे जंक्शन में फुल ब्लॉक पर चलाया जाता है। फुल ब्लॉक का मतलब होता है कि पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि दो स्टेशन के बीच कोई और ट्रेन ना हो, तभी मोटर ट्रॉली को चलाया जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।